नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाठक। क्या राहुल गांधी पर आज भी संसद में घमासान होने वाला है? क्या एक बार फिर से विपक्ष मार्च की तैयारी में है, क्योंकि दोनों खेमों ने अपनी अपनी तैयारी कर ली है? थोड़ी ही देर में संसद की कार्यवाही शुरू होने वाली है। कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में अहम मंत्रियों के साथ बैठक की। माना यह जा रहा है कि इस दौरान संसद की रणनीति को लेकर चर्चा की गई है। और इस बैठक में पीएम मोदी के साथ राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, किरेन रिजिजू और अनुराग ठाकुर मौजूद थे। वहीं विपक्षी दलों के भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैंबर में बैठक हुई है। उस दौरान विपक्ष ने बीजेपी के मांग के जवाब में अपने रणनीति पर चर्चा की है। अडानी मुद्दे पर आज विपक्षी सांसद संसद में मानव श्रृंखला बनाएंगे, ह्यूमन चेन बनाएंगे। दोपहर 12 बजे विपक्ष का गांधी प्रतिमा के पास भी प्रदर्शन होगा। साथ ही विपक्ष सोमवार को राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगेगा। कार्यवाही शुरू हो चुकी है लोकसभा की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, स्पीकर ओम बिरला आपको नजर आ रहे हैं। मैं सबको पर्याप्त मौका मैंने दिया है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। लेकिन सदन ऑर्डर में आना चाहिए, सदन चलना चाहिए। मैंने सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया है। आपको भी इतना अवसर दूंगा। आप बेल में आकर फिर आप ये कहें कि बोलने का मौका दे, आप सीट पे जाए, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। हाउस ऑर्डर में आएगा, मैं आपको मौका दूंगा। इधर बात नहीं करते, आप बेल में आते हैं और चर्चा करना चाहते हैं, आप जाइए सीटों पे बैठिए, आप भी बैठिए, आपको मैं मौका दूंगा। आप सदन नहीं चलाना चाहते, बजट पर चर्चा नहीं करना चाहते, प्रश्नकाल पर चर्चा नहीं करना चाहते, नारेबाजी करना चाहते हैं, क्या उचित है ये? मैं उनको भी कहूंगा बैठिए, आपको भी कहता हूं बैठिए, मैं आपको मौका दूंगा। तो आपको बता दें कि लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है 2 बजे के लिए। तो एक बार वही हुआ जिसका अंदेशा लगाया जा रहा था। लोकसभा की कार्यवाही हंगामे के बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इस वक्त आप राज्यसभा की तस्वीर देख रहे हैं। यहाँ पर चेयरमैन जगदीप धनखड़ पहुंच चुके हैं। जगदीप धनखड़ लगातार वहां पर मौजूद, टीएमसी के जो सांसद हैं इस वक्त वेल में खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं। उन्हें सीट पर जाने के लिए कहा जा रहा है। अभी देखना होगा कि लोकसभा के बाद राज्यसभा की कार्यवाही क्या स्थगित होती है या फिर उसमें काम शुरू हो पाता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। तो वहीं राज्यसभा की कार्यवाही को भी स्थगित कर दिया गया है। 2 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित हो गई है। लगातार स्पीकर्स, दोनों हाउस के स्पीकर्स की तरफ से बात कही जा रही थी कि एक एक करके आप लोगों को बोलने का मौका दिया जाएगा, शोर ना करें, जो वेल की तरफ आ गए हैं वो पीछे अपनी सीटों की तरफ जाएं। लेकिन विपक्षी सांसदों का हंगामा जारी है। ये लोकसभा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ओम बिरला ने लगातार अपील की कि आपको भी बोलने का मौका दिया जाए, ये संसद की गरिमा के खिलाफ है, आप लोग अपनी सीटों पर जाके बैठे। लेकिन किसी ने सुना नहीं, हंगामा होता रहा लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। इसीलिए संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सीनियर मंत्रियों के साथ बैठक की थी और आज कांग्रेस का भी प्रदर्शन है। अब लंदन से लौटने के बाद राहुल गांधी आज संसद के मौजूदा सत्र में पहली बार शामिल हो रहे हैं और बीजेपी राहुल के इस्तीफे की मांग पर अड़ी है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ साफ कहा है कि कोई देश को गाली देगा तो बीजेपी चुप नहीं रह सकती। रिजिजू ने साफ कर दिया कि राहुल के माफी मांगने तक संसद में बीजेपी इस मुद्दे पर आक्रामक रहेगी। देश का हित का बात होता है तो कोई चुपचाप नहीं बैठ सकता है। राहुल गांधी
या कांग्रेस के नेता अपने हिसाब से जो भी काम करते हैं, जो बोलते हैं, वो उनका मर्जी है, लेकिन देश को गाली देने का, देश को बदनाम करने का किसी को अधिकार नहीं है। ये किसी का मर्जी नहीं हो सकता है। राहुल गांधी जो भी बोलता है, अपने पार्टी कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस पार्टी किस परिस्थिति में है ये उनका अंदरूनी मामला है, और राहुल गांधी के वजह से अगर कांग्रेस डूबता है तो हम उसमें कोई रुचि नहीं रखता है। अगर कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी ने डुबा दिया, बर्बाद कर दिया, तो हमारे लिए ये कोई रुचि का विषय नहीं है। लेकिन अगर वो देश को डुबाने का काम करेगा, देश को नुकसान कराने का काम करेगा, तो इस देश का नागरिक होने के नाते हम चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं। लोकतंत्र के मंदिर में देश के लिए काम करते हैं, उस लोकतंत्र के पार्लियामेंट के मेंबर होने के नाते अगर हम चुपचाप बैठेंगे, कोई देश को गाली देगा, तो ये देश कभी माफ नहीं करेगा। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। देश ने देख लिया कांग्रेस के नेतृत्व को और देश ने नकार दिया है, तो देश के वासी अगर राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो ये हमारा गलती नहीं है, पार्लियामेंट का भी गलती नहीं है। लेकिन क्योंकि देश के लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया है, राहुल गांधी को नकार दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि देश को ही बदनाम करे, हमारे लोकतंत्र व्यवस्था को गाली दे, हमारे पार्लियामेंट संसद को नीचा दिखाने के लिए विदेश में जा कर के अनाप शनाप बातें करे, ये हम कभी भी मंजूर नहीं करेंगे और हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। तो राहुल गांधी के लंदन के बयान को लेकर अब तक एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 केंद्रीय मंत्रियों ने एक के बाद एक राहुल गांधी को निशाने पर लिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।